हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस मेंस 2023 का सामान्य हिंदी का पेपर। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यूपी पीसीएस मेंस में सामान्य हिंदी का पेपर पूछा जाता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है। आपको बता दें कि हाल ही में यूपी पीसीएस मेंस समाप्त हुआ है। यूपी पीसीएस के मेंस में टोटल आपके 8 पेपर होते हैं। 8 में से 6 पेपर आपके जीएस के होते हैं, एक पेपर आपका सामान्य हिंदी का होता है और एक पेपर आपका एसए का होता है। तो ये 6 पेपर जीएस के हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम सामान्य हिंदी का पेपर आपका डिस्कस करेंगे। हिंदी का पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है। टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर आपका यहाँ पर होता है। 3 घंटे का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाता है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे जो पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे। यहां पर आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है। इसे पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको इसी गद्यांश में से करना होगा। देखिए, ये आपका गद्यांश है, ये गद्यांश आपका यहाँ तक है और यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऊपर लिखित गद्य का आशय अपने शब्दों में लिखिए। जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए से क्या अभिप्रेरित है। और तीसरा क्वेश्चन है, गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो ये 3 प्रश्न हैं जो आपसे इस गद्यांश से पूछे गए हैं। आपको इस गद्यांश को पढ़ना था और इसी से पढ़कर इनका आंसर आपको यहाँ पर करना था। देखिए, दूसरा प्रश्न भी आपसे गद्यांश से रिलेटेड पूछा गया है, तो ये भी एक गद्यांश यहाँ पर दिया गया है और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। धर्म और नैतिकता का संबंध स्पष्ट कीजिए। गद्यांश का संक्षेपण लगभग 1/3 शब्दों में कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपसे गद्यांश से पूछे गए हैं। तो आपने देखा कि 2 गद्यांश आधारित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखिए। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण हो। तो यहाँ पर एक पत्र लिखने के लिए आपसे कहा गया है। और आपसे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए जिसमें श्री राम सिंह व्याख्याता गणित उच्च माध्यमिक विद्यालय कै नगर को उच्च माध्यमिक विद्यालय खै नगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति हेतु आदेशित किया गया हो। तो 2 पत्र यहाँ पर आपको लिखने थे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताने थे। देखिए, मश्रण, त्याज्य, उद्धवत, गे, पाच्य, प्रखर, दृष्ट, संघटन, अभिग, अनिवार्य, इन सभी के विलोम शब्द आपको यहाँ पर लिखना था। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश कीजिए। तो उपसर्ग से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्यटन, प्रतीक्षा, अन्वेषण, निरूपण और अध्यक्ष, यहाँ पर आपको इनमें उपसर्ग बताना था। खै है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को पृथक कीजिए। तो यहाँ पर प्रत्यय से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 6th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यांशों या पद बंधों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक एक शब्द बताना है। सबसे पहले है अनिश्चित जीविका, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, 4 अंगों वाली सेना, पेट की आग, दूसरों के दोष निकालने की जिसकी प्रवृत्ति हो। 7th क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको वाक्यों को शुद्ध करने के लिए कहा गया है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। नेक्स्ट है, जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े, सीता ने माला गूंथ ली, उसने अपने पांव से जूता निकाला। तो यहाँ पर ये वाक्य आपको दिए गए हैं जिन्हें आपको शुद्ध करके बताना था। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए, यहाँ पर आपको इनकी वर्तनी को शुद्ध करना था। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए और उनका वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। सबसे पहला मुहावरा है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, कुएं में भाग पड़ना,
उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बहती गंगा में हाथ धोना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, ये मुहावरे हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, थोता चना बाजे घना, छचुंदर के सिर में चमेली का तेल। तो इनका आपको अर्थ बताना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। और नेक्स्ट है, जहां देखे तवा परात वहीं गुजारी सारी रात, ये आपने काफ़ी सुना भी होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका सामान्य हिंदी का पेपर UPPCS मेंस 2023 का, जो कुछ इस प्रकार के पैटर्न पर आधारित है। इस पेपर को देखकर आपको एक आइडिया ज़रूर मिला होगा किस प्रकार से आपको हिंदी के पेपर की तैयारी करनी है, कितना आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।